हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेन मैथमेटिक्स का चैप्टर फिफ्टीन प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज फिफ्टी पॉइंट वन से क्वेश्चन ट्वेंटी टू को सॉल्व करेंगे इससे पहले फ्रेंड्स क्लास टेन मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास टेन मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में बोल रहा है देखिये टू डाइस वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम दो डाइस को यहां पर थ्रो किया गया है एक का कलर है आपका ब्लू और दूसरा का, का कलर है आपका ग्रे हमें क्या निकालना है देखिए राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल हमें दो डाइस थ्रो करने के बाद जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखना है उसके बाद यहां पर ये यह जो टेबल है इस टेबल को कंप्लीट करना है तो फ्रेंड्स कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे तो फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने पहले ब्लू डाइस को थ्रो किया जब ब्लू डाइस को थ्रो किया उसमें मान लीजिए वन आया उसके बाद जब ग्रे को थ्रो किया उसमें भी वन आया तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गया क्या पॉसिबिलिटी क्या कम आया है वन आया है मान लीजिए पहले जब ब्लू मैंने थ्रो किया उसमें वन आया है उसके बाद जब ग्रे को ग्रे कलर को मैंने ग्रे कलर वाला डाइस को थ्रो किया उसमें टू आया है मान लीजिए तो ये भी ये एक पॉसिबिलिटी बन गया वन टू आने का एक पॉसिबिलिटी बन गया के ये भी हो सकता है पहला डाइस में वन और सेकंड डाइस जब मैंने थ्रो किया ग्रे कलर का उसमें थ्री आया तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गया ऐसे करके एक पॉसिबिलिटी हो सकता है एक एक पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हो हो सकता है, हो सकता है है आप देखिए टू से मतलब वन से दिख के टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज आ रहा है इसी तरह यहां पर मान लीजिए पहले जब मैंने ब्लू डाइस को थ्रो किया उसमें मान लीजिए टू आ गया सो टू 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 से हम लोग यहां पर कई करते हैं तो मान लीजिए पहले जब ब्लू को मैंने थ्रो किया उसमें टू आया और सेकंड में टू आया तो टू टू से एक पॉसिबिलिटी बन गया टू थ्री से एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर टू से टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज आ जाएगा इसी तरह अगर हम लोग थ्री से कंसिडर करेंगे मान लीजिए पहले में थ्री आया और सेकंड में वन आया पहले में थ्री आया सेकंड में टू आया तो थ्री टू थ्री वन थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स इस तरह से भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है दैट दैट मींस मींस से पॉसिबिलिटीज आ यहां पर टोटल सिक्स नंबर से और हर एक नंबर में यहां पर हमें पॉसिबिलिटीज मिल रहा है दैट मींस टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स करेंगे तो टोटल टाटी सिक्स पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा इन सारे टाटी सिक्स पॉसिबल आउटकम्स को हमें यहां पर लिखना है तो चलिए यहां पर सोल्यूशन शुरू करते हैं सोल्यूशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे इफ टू डाइस आर थ्रोन देन द पॉसिबल आउटकम्स आर इफ टू डाइस आर थ्रोन टू डाइस आर थ्रोन देन द पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल आउटकम्स आर तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होता है वन 1 वन वन से हम लोग सिक्स पॉसिबल आउटकम्स आता है इसको हम लोग लिख लेंगे वन वन उसके बाद वन कोमा टू देन वन कोमा थ्री देन वन कोमा फोर वन फाइव वन सिक्स उसके बाद टू से टू कोमा टू कोमा वन टू कोमा टू टू कोमा थ्री टू फोर 2.5, 2.6 उसके बाद 3 से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 उसके बाद 4 से 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 फोर कमा सिक्स उसके बाद फाइव से फाइव कमा वन फाइव कमा टू फाइव कमा थ्री फाइव कमा फोर फाइव कमा फाइव फाइव कमा सिक्स उसके बाद सिक्स से सिक्स कमा वन सिक्स कमा टू सिक्स कमा थ्री सिक्स कमा फोर सिक्स कमा फाइव सिक्स कमा सिक्स तो ये हो गया आउटकम्स तो ये हो गया पहला पार्ट का उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो है, इस इस को करना है तो इस में क्या कहा जा रहा है देखिए सम ऑफ टू डाइस यहाँ पर टू है सम ऑफ टू डाइस टू है मतलब ये दोनों नंबर को एड करने के बाद टू आ रहा है और ये टू आने सम करने के बाद टू आने का चांस यहाँ पर वन बाई थर्टी सिक्स टू आने का शाम करने के बाद टू शाम आने का प्रोबेबिलिटी है वन बाई थर्टी सिक्स इसी तरह ये दोनों नंबर्स को शाम करने के बाद एट आने का शाम एट आने का प्रोबेबिलिटी है फाइव बाई थर्टी सिक्स इसी तरह ये दोनों नंबर एड करने के बाद शाम ट्वेल्व आने का प्रोबेबिलिटी है आपका वन बाई थर्टी सिक्स अब देखिए शाम यहां पर टू दिखे वन वन जब शाम करेंगे वन प्लस वन शाम करेंगे तब यहां पर टू आ रहा है दैट मीन्स और यहां पर बाकी ये दो प्यार को छोड़ के ये एक प्यार को छोड़ के बाकी कोई भी एक प्यार में दो नंबर जोड़ लीजिए आपको शाम टू नहीं मिलेगा दैट मीन्स शाम टू आ रहा है ये कब कितने बार आ रहा है ये सिर्फ एक ही बार आ रहा है और हमारे पास देखे पॉसिबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स थर्टी सिक्स है इसको हम लोगों को नीचे लिखना है और ऊपर में शाम करने के बाद टू आ रहा है ये कितने बार है ये एक ही बार है तो यहां पर ऊपर में लिख लेंगे हम लोग वन बाई थर्टी सिक्स तो यहां पर इसी तरह शाम टू आने का प्रॉबिबिलिटी वन बाई थर्टी सिक्स लिखा गया है इसी तरह आप एट को देखेंगे देखिए दिखे, शाम एट कितने बार आएगा देखिए यहां पर देखिए शाम एट देखिए टू कमा सिक्स इसमें एक बार आ रहा है उसके बाद देखिए थ्री फाइव में उसके बाद देखिए फोर फोर में उसके बाद देखिए फाइव थ्री में उसके बाद सिक्स टू में तो ये सारे फाइव नंबर फाइव पेयर सिन जिनमें शाम फाइव आ रहा है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है थर्टी सिक्स तो ऊपर में शाम करने के बाद शाम एट कितने बार आ रहा है फाइव बार मिल रहा है तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे फाइव तो ये हो गया आपका शाम एट आने का प्रोबेबिलिटी फाइव बाई थर्टी सिक्स इसी तरह यहाँ पर शाम थ्री आने का प्रोबेबिलिटी हमें लिखना है साम फोर आने का प्रोबेबिलिटी हमें लिखना है इसी तरह साम इलेवन आने का प्रोबेबिलिटीज हमें लिखना है चलिए यहाँ पर टेबल जो है इसको फिलअप कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टेबल को आप यहाँ पर भी फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर टेबल को इस तरह लिख के भी फिलअप कर सकते हैं मैं यहाँ पर डिरेक्टली फिलअप कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए साम थ्री आने का साम थ्री देखिए यहाँ पर शाम थ्री आ रहा है यहाँ पर शाम थ्री आ रहा है ना वन प्लस टू शाम थ्री आ रहा है उसके बाद देखिए यहां पर शाम थ्री आ रहा है तो दो पेयर ही ऐसा मिला है जिनमें साम थ्री आ रहा है दैट आने का प्रोबेबिलिटीज आपका टू बाई थर्टी सिक्स अब आइए फोर में देखिए फोर इसमें होगा वन प्लस थ्री फोर आ रहा है उसके बाद देखिए इसमें टू कोमा टू में फोर आ रहा है उसके बाद इसमें देखिए थ्री कोमा वन तो फोर देखिए कितने बार आ रहा है तीन बार आ रहा है तो यहां पर इसमें शाम फोर आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका थ्री बाय थर्टी सिक्स उसके बाद आइए फाइव में तो यहां पर आप कैंसिल देके भी लिख सकते हैं अगर आप कैंसिल देंगे तो ये हो जाएगा आपका वन बाई एटीन इसमें अगर आप कैंसिल देंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री बाई ट्वेल्व इसी तरह आप फाइव में आइए वन कोमा फोर ये एक पेयर बन गया यहां पर देखिए टू कोमा थ्री उसके बाद थ्री कोमा टू उसके बाद फोर कमा वन तो ये यहां पर चार मिल रहा है दैट मींस यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर बाई थर्टी सिक्स और फोर बाई थर्टी सिक्स को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका वन बाई नाइन उसके बाद आप सिक्स में आइए सिक्स में देखिए वन एक फाइव ये वाला एक प्यार बन गया, उसके बाद टू फोर उसके बाद फोर टू उसके बाद फाइव वन तो सिक्स साम सिक्स कितने बार आ, बार आ रहा है टोटल फाइव बार आ रहा है दैट मींस इसका आंसर आ जाएगा आपका फाइव बाई थर्टी सिक्स उसके बाद सेवन में आइए देखिए सेवन वन सिक्स में उसके बाद टू फाइव में टू थ्री फोर देन फोर थ्री देन फाइव टू देन यहां पर हो जाएगा आपका सिक्स वन तो कितने बार है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्स बाई थर्टी सिक्स और इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वन बाई सिक्स नेक्स्ट आप आइए नाइन में एट को यहाँ पर एट का तो आंसर उन लोगों ने दिया है नाइन हम लोगों को फिलअप करना है देखिए नाइन में नाइन देखिए यहां पर थ्री को सिक्स यहां पर थ्री प्लस सिक्स नाइन आ रहा है उसके बाद फोर प्लस फाइव नाइन आ रहा है उसके बाद फाइव प्लस फोर नाइन आ रहा है तो यहां पर चार बार मिल रहा है That means यहाँ पर नाइन आने का चांस कितना हो जाएगा फोर बाई थर्टी सिक्स और फोर बाई थर्टी सिक्स को आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन नाइन उसके बाद टेन में आइए टेन देखिए टेन यहां पर देखिए टेन फोर प्लस सिक्स उसके बाद फाइव प्लस फाइव उसके बाद सिक्स प्लस फोर तो टेन आने का चांस कितना बार हो रहा है तीन बार हो रहा है that means इसका आंसर आपका थ्री बाय थर्टी सिक्स इसका आंसर हो जाएगा आपका थ्री बाई थर्टी सिक्स उसके बाद आइए इलेवन में देखिए इलेवन देखिए यहां पर फाइव को सिक्स में इलेवन आएगा उसके बाद सिक्स कोमा फाइव तो इलेवन दो बार ही आ रहा है दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका टू बाई थर्टी सिक्स तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर पूरा टेबल को कंप्लीट कर लिया जहां पर कैंसिल जाएगा वहां पर आप कैंसिल देंगे जहां पर कैंसिल नहीं जाएगा वहां पर एच डिस रख देंगे जैसे कि यहाँ पर टू बाई थर्टी सिक्स कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसी तरह थ्री बाई थर्टी सिक्स को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई ट इसी तरह आप फोर बाई थर्टी सिक्स को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन बाय नाइन इसी तरह आपको यहाँ पर को फिलअप करना था हम लोगों ने यहाँ पर फिलअप कर लिया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा रूमान वन का सोल्यूशन रूमान टू अभी हम लोग रूमान टू का सोल्यूशन करते हैं रूमान टू यहाँ पर देखिए टेबल को इस तरह फ्रेश लिख के भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं साम ऑफ टूटाइस नंबर आप लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज को लिख लेंगे चलिए नेक्स्ट रूमान टू में क्या बोल रहे टू में बोल रहे देखिए स्टूडेंट दैट देर आर इलेवन पॉसिबल आउटकम्स टू कमा थ्री कोमा फोर को फाइव को सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व

ये करेक्ट नहीं है दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हाई बिकॉज देखिए टू आने का चांस यहां पर हम लोगों ने देखा टू एक ही बार आ रहा है थ्री आने का चांस यहां पर देखिए दो बार है इसी तरह यहां पर टेन आने का चांस तीन थी, बार है दैट मीन्स यहां पर हर एक शाम आने का चांस इक्वली नहीं है इक्वली नहीं है दैट मीन्स यहां पर यहां पर जो स्टूडेंट ने जो आर्गू किया ये क्या है ये गलत है तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे probability probability of each of these sums each of these sums will not be will not be 1 divided by 11 as these sums as these sums आर नॉट इक्वली लाइकली आर नॉट इक्वली लाइकली एज दी साम्स आर नॉट इक्वली लाइकली तो यहां पर रोमान टू कंप्लीट सोल्यूशन हो गया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपने प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो